और चलिए आपको सीधा उत्तर प्रदेश के हाथरस लेके चलेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रही हैं। श्रीमती अंजुला माहौर जी, श्री रविंद्र पाल सिंह जी, श्री राजकुमार सहयोगी जी, ठाकुर जयवीर सिंह जी, श्री प्रदीप सिंह गुड्डू जी, विधान परिषद सदस्य श्री मानवेंद्र सिंह जी, चौधरी ऋषिपाल सिंह जी, आरपी सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सीमा उपाध्याय जी, श्रीमती विजया सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री आरपी सिंह जी और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी और अब इस हाथरस लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी श्री अनूप वाल्मीकि जी, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल और एनडीए के सभी सहयोगी दलों के पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज मुझे इस पावन धरा पर, जिस धरा को दाऊ जी महाराज की अनुकंपा प्राप्त है, इस पावन धरा को नमन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, इस धरती ने अनेक महापुरुषों को जन्म दिया है। ब्रजभूमि का तो प्रवेश द्वार है ही, दाऊ जी महाराज की अनुकंपा है ही, काका हाथरसी जैसे कवियों को देने वाले, साहित्यकारों को देने वाली धरती भी अनेक महापुरुषों को जन्म देने वाली धरती है। तो स्वाभाविक रूप से एक श्रद्धा का भाव इस धरा के प्रति हम सबके मन में उमड़ता है। आज जब लोकसभा का चुनाव चल रहा है, बहनों और भाइयों, मैं इस अवसर पर सबसे पहले इस क्षेत्र के वर्तमान में जो सांसद है श्री राजवीर सिंह दिलेर, जो आज हम सब के बीच में नहीं रहे, अचानक स्वास्थ्य खराब होने के कारण पिछले 2 वर्ष पहले उनका बाईपास सर्जरी भी हुई थी, आज वे हमारे बीच में नहीं रहे। मैं उनको भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि भी देता हूं। उनके पूज्य पिता श्री किशनलाल दिलेर जी के साथ एक लंबे समय तक संसद में मुझे कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। और यही नहीं, श्री राजवीर सिंह दिलेर एक बार मेरे साथ भी सांसद थे, आज वे हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा जहां कहीं भी होगी, वह हाथरस के विकास के लिए, आप सबके उत्साह और मन के लिए सदैव तत्पर रहे हैं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हाथरस के विकास के लिए जो उनकी भावनाएं थी, उसके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी यहां के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। इस बात का आश्वासन देने के लिए आज हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, लोकसभा के चुनाव के 2 चरण संपन्न हो चुके हैं। 2 चरणों में 191 सीटों पर अब तक चुनाव संपन्न हो गए हैं और 191 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं, चुनाव के रुझान बताते हैं कि जो आसार, जो आकांक्षा की है, जो स्वर हाथरस का है, जो खुशबू हींग की,
हाथरस की है वही पूरे देश के अंदर पहुंच रही है। और वह स्वर है कि फिर एक बार मोदी सरकार का जो स्वर यहां से पूछ रहा है वही देश के अंदर है और पहले दो चरणों में वही परिणाम में बदला है। बहनों भाइयों, एक तरफ जनता उत्साहित है, उमंग में लोगों के मन में भावना है कि हमें देश के अंदर मोदी जी को तीसरा कार्यकाल देना है, क्योंकि मोदी जी ने 10 वर्ष में देश के लिए जो कार्य किया है वो अभिनंदनीय है, अद्भुत है, दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय पैदा करता है। कितनी तेजी के साथ भारत में परिवर्तन मोदी जी ने कैसे ला दिया है, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई है, आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है, विकास के बड़े बड़े कार्य, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, आईआईटी, आईएम, एम्स, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजनाएं जैसी काम कर रही हैं, और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से स्थानीय उत्पाद को भी पहचान मिली है। बहनों भाइयों, एक और ये सभी कार्य गरीब कल्याणकारी योजनाओं की कोई सानी नहीं, यानी इतनी योजनाएं थी कांग्रेस को 65 वर्षों तक देश में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, समाजवादी पार्टी को 4 बार और बहुजन समाजवादी पार्टी को 3 बार प्रदेश में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन बहनों और भाइयों, इन सबको मिलाकर के जितना कार्य देश के अंदर इन लोगों ने 65-70 वर्षों में नहीं किया, जितना कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस, सपा, बसपा ने मिलकर के नहीं किया, उतना मोदी जी के नेतृत्व में मात्र 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर हुआ है और 7 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर उत्तर प्रदेश में हुआ है। आप सोचो, कांग्रेस के समय में और सपा बसपा के समय लोग भूखों मरते थे, गरीब भूखों मरता था, आज 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, उस समय लोग स्वास्थ्य की सुविधा के अभाव में मरते थे, आज 60 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया जा रहा है। पहले पैसा दिल्ली से चलता था और साथ साथ यहां पर वह पैसा कांग्रेस के दलाल या सपा और बसपा के दलाल हजम कर जाते थे। बहन और भाइयों, आज जनधन अकाउंट खोल करके डीबीटी के माध्यम से पैसा गरीब के खाते में सीधे पहुंच रहा है। पहले आपने इस बात को देखा होगा कि पहले गरीब और किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था, आज 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए हैं, 10 करोड़ गरीब परिवारों को रसोई गैस के फ्री के कनेक्शन मिल गए हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार तो होली और दीपावली में फ्री में भरा हुआ सिलेंडर भी उपलब्ध करवाने का काम कर रही है। बहनों भाइयों, ये जो कार्य हुए, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए, 2.5 करोड़ घरों में बिजली पहुंच गई है, इस प्रकार की योजनाएं सपा बसपा और कांग्रेस के लोग भी कर सकते थे, लेकिन उनके लिए गरीब एजेंडे का हिस्सा नहीं था, किसान एजेंडे का हिस्सा नहीं था, युवा उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था, महिलाएं उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था, ये केवल वोट बैंक की राजनीति करते थे, जाति विभाजन की राजनीति करते थे, समाज को आपस में बांटने का पाप करते थे। और यही कार्य जो कार्य इन लोगों ने उस समय किया था, आज उनका घोषणा पत्र फिर वही कह रहा है। बहनों और भाइयों, याद करिए, उनके समय में
का शिकार होता था और आतंकवादियों को वे लोग बिरयानी खिलाते थे। आप सोचो उनकी मंशा। उनके समय में किसान आत्महत्या करता था और भ्रष्टाचारी ऐश करता था। उनके समय में एक व्यापारी और बेटियां सुरक्षित थी और बड़े बड़े माफिया सत्ता का सरप्रस्त बन करके सत्ता का संचालन करते थे। आज आपने देखा होगा, आज आप देख रहे होंगे, प्रदेश में नौकरी निकलती है पूरी पारदर्शी तरीके से। 6.5 लाख नौजवानों को हमने उत्तर प्रदेश में नौकरी दी बिना किसी भेदभाव के दी। हाथरस के भी बहुत सारे नौजवान नौकरी पाए, कासगंज के नौजवान भी पाए, फिरोजाबाद के नौजवान भी पाए। आज आप देख रहे होंगे योजनाओं को, जितनी भी योजनाएं दी गई, 80 करोड़ लोगों को राशन मिलना, क्या किसी का चेहरा देखा गया क्या? अरे गरीब है, जरूरतमंद है, राशन मिलना चाहिए, भारत का नागरिक है उसको मिलना चाहिए। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रहा है, क्या किसी का चेहरा देख करके दिया जा रहा है क्या? 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की सुविधा है, क्या किसी का चेहरा देखा जा रहा है क्या? 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खोले गए, क्या किसी की जाति मत और मजहब पूछ करके दिया जा रहा है क्या? 4 करोड़ लोगों को आवास दिए गए, किसी की जाति मत और मजहब पूछ करके नहीं, गरीबी को देख करके, दलित है, वंचित है, अति पिछड़ा है, उसको ये लाभ दिया गया है, चाहे वह किसी जाति मत और मजहब का क्यों ना हो। बहनों भाइयों, इसीलिए मोदी जी ने 2014 में नारा दिया था सबका साथ और सबके विकास का। लेकिन आज मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सबका साथ और सबके विकास के नारे के साथ, और दूसरी तरफ कांग्रेस सपा का इन्हीं गठबंधन है, इनका गठबंधन। देखिए, कांग्रेस ने 1947 में देश का विभाजन कराया, पहले देश को बांटा, अब कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में क्या कह रही है? कह रही है हम भारत के अंदर संपत्ति सर्वे कराएंगे। संपत्ति सर्वे का मतलब आपकी संपत्ति का सर्वे ये लोग कराएंगे, फिर संपत्ति, आपकी संपत्ति का सर्वे करा करके आपके बाप दादों की जो कमाई है ना, इस कमाई को वे लोग एक वरासत टैक्स इस पे लगाने की बात कर रहे हैं। आपने सेन पित्रोदा का बयान पढ़ा होगा, इसमें वरासत टैक्स लगाएंगे। वरासत टैक्स क्या? अगर आपके बाप दादों ने 4 कमरे का घर बनाया है तो कहेंगे तुम 2 कमरे में रहो, 2 कमरे कांग्रेस या सपा के लोगों के अधिकार में चला जाएगा। बहनों और भाइयों, अरे मेहनत करेंगे आप, परिश्रम करेंगे आप, खून और पसीना बहाया, मेहनत से उन्होंने संपत्ति अर्जित की, और डकैती डालने के लिए कांग्रेस के लोग, रेंटी गठबंधन के लोग आएंगे, क्या ये छूट देंगे क्या आप इनको? क्या ये छूट देंगे? पहले देश को बांटा, आज आपकी संपत्ति को बांटने की साजिश लोग कर रहे हैं, यानी कितनी खतरनाक साजिश रच रहे हैं। हम जब किसी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हैं उसके लिए लोग घड़ियाली आंसू बहाते हैं, उसके घर में जाकर के फतिया पड़ते हैं, लेकिन एक गरीब, एक व्यापारी, एक सामान्य नागरिक की संपत्ति पर ये लोग डकैती डालना चाहते हैं। बहन और भाइयों, यही नहीं, कांग्रेस ने और भी बातें कही है। उसने कहा पर्सनल कानून को लागू कर देंगे। पर्सनल कानून को लागू करने का मतलब आप जानते हैं, 3 तलाक की जो कुप्रथा बंद की है मोदी जी ने, इसको लोग फिर से लागू करेंगे। पर्सनल कानून को लागू करने का मतलब आप जानते हैं ना, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश का तालिबानीकरण करने की साजिश का हिस्सा है। और यही नहीं, ये कह रहे हैं
अल्पसंख्यकों की रुचि के अनुसार खाना खाने खान पान की पूरी छूट देंगे। उनकी रुचि क्या बहुसंख्यक से अलग है क्या? उनकी रुचि क्या अलग है क्या? अलग रुचि का मतलब क्या? जो आप नहीं खाते हैं वे खाना चाहते हैं, उसके लिए स्वतंत्रता देंगे, यानी उनको गौकसी की छूट देंगे। क्या आप गौकसी की छूट दिलवाएंगे कांग्रेस सपा बसपा के लोगों को? हिंदू के लिए इससे बड़ा पाप हो ही नहीं सकता। और कांग्रेस आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है, देश को दंगों के आग में झोंकना चाहती है। अपने स्वार्थ के लिए भारत के विभाजन की आधार रखना चाहती है। हिंदुस्तान इसको कतई स्वीकार नहीं करेगा। क्या स्वीकार करेगा? जो एक पाप करने पर उतार हो चुके, देश के पुण्य क्षति करने पर, क्या राम और कृष्ण की धरती पर क्या गौकसी होगी क्या? बहन और भाइयों, हमें कांग्रेस सपा बसपा के इस हिडन एजेंडे को पहचानना होगा, इसके पीछे की मंशा को जानना होगा और समय रहते इनको जवाब देने के लिए तैयार होना होगा। ये लोग देश की संप्रभुता के साथ, देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपकी आस्था के साथ इन्होंने पहले ही खिलवाड़ किया था। आपने देखा होगा जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी इन्होंने प्रयास किया था अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति के लोगों पर हकों पर डकैती डालने के लिए। पहले इन्होंने जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी गठित की। उस कमेटी ने क्या संस्तुति की थी? उसने कहा था कि पिछड़ी जाति के लोगों के हकों में से 6% आरक्षण काट करके ये मुसलमानों को दे दिया जाए। वो तो भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया था। उन्होंने कहा था ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में जब देश का संविधान का प्रारूप तैयार हो रहा था, उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी और उस समय के संविधान के निर्माता ने एक बात कही थी कि धर्म के आधार पर आरक्षण कभी नहीं हो सकता। लेकिन कांग्रेस ने जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी इसलिए गठित की थी जिससे वह पिछड़ी जाति के और अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारों पर डकैती बैकडोर से कर सके, क्योंकि भारत का संविधान धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं देने की वकालत करता। कहता कि धार्मिक आधार पर नहीं आरक्षण हो सकता, क्योंकि इसी आधार पर तो देश का विभाजन हुआ था। लेकिन अब बैकडोर से इन्होंने डकैती डालने का काम किया। पहले रंगनाथ मिश्रा कमेटी और फिर सच्चर कमेटी भी ये कांग्रेस ने ही यूपीए गवर्नमेंट के दौरान गठित की थी और आज उसी तर्ज पर ये लोग फिर से काम कर रहा है। उनका मैनिफेस्टो इस बात का उदाहरण है और हम सब आपको अवगत कराने के लिए आए हैं। घर घर जाकर के लोगों को बताइए ये देश के खिलाफ एक साजिश करना चाहते हैं। ये चुनाव देश निर्माण के लिए एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके बीच में है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल इसमें राष्ट्रीय लोकदल भी है, स्वयंदेव राजभर पार्टी भी है, निषाद राज पार्टी भी है, अपना दल भी है। ये सभी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के इस चुनाव में जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ बहन और भाइयों, दूसरी तरफ कांग्रेस सपा और उसके सहयोगी दल है जो देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। मैं एक बात और आपको बता दूं, यहां के अहिरिया समाज को आरक्षण से वंचित करने का पाप भी कांग्रेस ने ही किया था। याद करिए, पहले वह अनुसूचित जाति में आती थी, कांग्रेस ने उन्हें अनुसूचित जाति से अन्यायपूर्ण तरीके से हटाने का काम भी किया था। हमारी सरकार ने इनका प्रस्ताव भेजा है कि इनको उचित सम्मान मिलना चाहिए। बहन और भाइयों, मैं आज आपसे कहने के लिए इसीलिए आया हूं, जो लोग देश का नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति के हकों में डकैती डालना चाहते हैं,
जो लोग आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, इन लोगों ने उस समय भी ये कहा था राम और कृष्ण हुए ही नहीं, राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा किया था, भगवान राम और भगवान कृष्ण के अस्तित्व पर खड़ा किया था। अरे कृष्ण नहीं हुए तो बलताऊ जी कैसी बात हम कर रहे हैं, बलताऊ जी की भूमि है और हम बलताऊ जी के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं। कृष्ण कन्हैया की धरती पर, राम की धरती पर, क्योंकि ये राम और कृष्ण के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते हैं और इसीलिए कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों की पसंद का खान पान हम करने की छूट देंगे। क्या गौकसी करने की छूट दे देंगे क्या? पिंटो कसाइयों को गौ माता की हत्या करने की छूट देंगे क्या? कांग्रेस तो यही चाहती है और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, सतर्क और सावधान हो जाइए। ये चुनाव आज भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई है, आपकी आस्था का सम्मान बढ़ा है, विकास के कार्य हो रहे हैं और योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के प्राप्त हो रहा है। इसलिए क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री है और मोदी जी को प्रधानमंत्री आपने बनाया है, आपके वोट ने बनाया है, इसका श्रेय भी आपको जाता है। एक वोट देश की तस्वीर और तकदीर को बना भी सकती है और गलत दिशा में जाएगा तो बिगाड़ भी सकती है। हमें देश को बनाना है, भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है, विकसित भारत बनाना है, एक तेजस्वी भारत बनाना है, समर्थ और सशक्त भारत बनाना है, एक ऐसे भारत के लिए जिस भारत में बिना भेदभाव के 140 करोड़ लोग एक स्वर में बोले, एक स्वर में भारत को आगे बढ़ाने की वकालत करें। और उस विश्वास के साथ आज हम सब आपके बीच में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भाइयों भैयों बहनों आपके क्षेत्र से हाथरस की खुशबू को देश की संसद में पहुंचाने के लिए अनूप वाल्मीकि को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। बहनों और भाइयों, अनूप वाल्मीकि उत्तर प्रदेश सरकार में राजस्व राज्य मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं और अच्छे ढंग से उन्होंने काम किया, बखूबी काम किया, जुझारू है, आपके हितों के लिए यहां के विकास के लिए कार्य करेंगे। जो मेहनत यहां के हमारे सांसद और विधायक जो विधायक बन कर रहे हैं, श्री वीरेंद्र राणा है, यहां के हमारे श्रीमती अंजुला माहौर है, हमारे अन्य विधायक पर जो काम कर रहे हैं, एमएलसी काम कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर के सेनो प्रधान यहां की विकास की योजनाओं को गांव गांव घर घर तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में हमारे विधायक गण उस आवाज को पहुंचाएंगे, देश की संसद में उस आवाज को सेनो प्रधान पहुंचाएंगे और इसी के लिए हम सब आपके बीच आए हैं। मेरी आप सबसे अपील है, तीसरे चरण में आपको मतदान करना है। लोग पहले से जानते हैं कि हाथरस में भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड वोटों से जीतेगी, यह हर व्यक्ति बोल रहा है, लेकिन बहनों और भाइयों अति आत्मविश्वास से बचते हुए हमें एक एक व्यक्ति को मतदान स्थल पर लेके जाना है और ये तभी हो पाएगा जब आप में से हर व्यक्ति अनूप प्रधान बनेगा, मोदी जी का प्रतिनिधि बनेगा। सहमत है? सहमत है? कमल चुनाव चिन्ह पर वोट दिलाएंगे, अनूप प्रधान को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे, भारी बहुमत से बनाएंगे। सहमत है ना सभी लोग? तो इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि आप सभी लोग उन्हें भारी बहुमत से विजयी बना करके 7 मई को होने वाले चुनाव में कमल खिलाने का काम करेंगे और कमल खिलेगा तो विकास अपने साथ साथ लेकर के चलेगा। इस विश्वास के साथ आप सब मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम।
खबरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप हाथरस से सुन रहे थे, जहां पर वो चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसके साथ ही कई बड़ी बातें उन्होंने इस दौरान कही। तो वही बीजेपी प्रत्याशी, जिसको बीजेपी ने हाथरस से चुनाव में खड़ा किया है, उसके समर्थन में जनता से वोट की अपील करते हुए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। क्योंकि देखिए, तीसरा चरण है, उसको लेकर प्रचार प्रसार लगातार जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए, इसके साथ ही कई रोड शो भी वो करेंगे। तो वहीं कई बड़ी बातें उन्होंने इस दौरान कही।